नमस्ते जी सत श्रीकाल कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल आर ड्वीन ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एकदम बढ़िया हमेशा की तरह सो आप लोग वैसे हम लोग हिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रहे होते हैं और आप लोग मतलब कुछ डिफरेंट करने का कह रहे होते हैं सो आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट लेकर आए हैं दैट इज़ हिस्ट्री बेस्ड वीडियो और ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदी अच्छा ये वीडियो हम देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ जो कि जानने भी बहुत ज़रूरी हैं हम सबको के हमसे पहले जो लोग थे वो कैसे थे क्या करते थे या फिर जो हिस्ट्री रही है भारत की वो क्या रही है और क्या फैक्ट्स थे और कैसे हुआ करती थी हमसे पहले की लाइफ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखते वक्त यह है कि वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें सो चलते हैं वीडियो की तरफ फॉर रिएक्ट कर लेते हैं सो हैवी को आज हम आपको होयसला राजवंश के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो हमें किसी भी ऐतिहासिक किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती और ना ही हमें स्कूल की किताबों में सिखाई जाती है इस राजवंश ने दक्षिण भारत में 400 सालों तक राज किया इन्होंने ऐसे मंदिर और ऐसी मूर्तियां बनाई कि उन्हें देख आज के इंजीनियर तो क्या देश विदेश से आने वाले लोग भी दंग रह जाते हैं लेकिन फिर क्यों इस राजवंश को और इनके शहर हले को बर्बाद कर दिया गया और क्यों इस महान राजवंश का उल्लेख हमारे इतिहास की किताबों में नहीं मिलता लेकिन इस राजवंश को खत्म करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक को महान बताया जाता है हमारे भारत के इतिहास के इस भुलाए हुए पहलू को जानने के लिए अपने कीमती दस मिनट निकालकर संयम से वीडियो देखते रहिए होयसला राजवंश ने दसवीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया शुरुआती दौर में यह राजवंश जैन धर्म का पालन करता था लेकिन बाद में राजा विष्णुवर्धन ने बारहवीं सदी की शुरुआत में वैष्णव धर्म अपना लिया पहले उनका नाम बिट्टी, बिट्टी देव था दे। लेकिन वैष्णव धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया और आज राजा विष्णुवर्धन होयसला राजवंश के सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं हले होयसाला साम्राज्य की राजधानी थी ये बात तो सबको पता है लेकिन हले तो उनकी राजधानी बाद में बनी और की सबसे पहले राजधानी थी अंगड़ी जो हले से लगभग 50 किलोमीटर दूर है अंगड़ी के बाद उनकी राजधानी बना बेलूर और फिर राजा विष्णुवर्धन ने चोला साम्राज्य से युद्ध किया और उनको हराकर कर साम्राज्य को नई पहचान दिलाई और अपनी राजधानी हले को बनाई अंगड़ी गांव को लोगों ने और सरकार ने भुला दिया था लेकिन हाल ही में 2010 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह मौजूद मंदिरों और अवशेषों का पुनर्निर्माण करवाया अंगड़ी तो आज कर्नाटक का एक छोटा सा गांव है लेकिन किसी जमाने में ये शहर होसालाओ की पहली राजधानी था और इसी गाँव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने दक्षिण भारत के इतिहास को एक नया राजवंश दिया कहा जाता है कि साल नाम का एक आदमी अपने गुरु के साथ जंगल से जा रहा था तब अचानक उनके सामने एक शेर आ गया साला के गुरु ने एक लोहे की डंडी साला के हाथ में दी और कन्नड़ में उसे कहा हो इसका मतलब होता है वार करो गुरु के आदेश पर साला ने उस शेर को मार डाला और इसी घटना के बाद साला के बहादुरी का ये किस्सा जैसे ही गांव में मशहूर हुआ साला को राजा बना दिया गया और इस राजवंश की शुरुआत हुई होयसाला साम्राज्य का चिन्ह इसी घटना से प्रेरित होकर बनाया गया था जो आज उनके साम्राज्य में बने हर मंदिर हर इमारत में नजर आता है राजा विष्णुवर्धन जो होयसाला वंश के सबसे प्रतापी राजा थे उनके कार्यकाल में 1500 से ज्यादा मंदिर बनाए गए और ये मंदिर साधारण नहीं थे बल्कि उस समय की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल इन मंदिरों को बनाने के लिए किया गया था ये मंदिर आज 1000 साल बाद भी मजबूती से खड़े हैं। इन मंदिरों में सैकड़ों खूबसूरत मूर्तियां बनी हैं। इन मंदिरों की सबसे खास बात क्या है आपको पता है इन मूर्तियों को एक खास पत्थर से बनाया गया था जिसे सोप कहा जाता है और जैसा कि इसका नाम है शुरुआत में ये पत्थर मुलायम होता है लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है समय के साथ ये मजबूत होता जाता है खोजकर्ता मानते हैं कि इन्हीं पत्थरों की वजह से यहाँ के कारागिरों ने पत्थरों पर इतनी सुंदर नकाशी बनाई थी लेकिन सिर्फ इस पत्थर की वजह से यहाँ के कारागिरों को इन मूर्तियों पर बारीकी से काम करने में आसानी हुई ये कहना गलत होगा बल्कि उस समय यहाँ के कारागिरों ने कई नायाब यंत्रों का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों को बनाया इस विषय पर और उन कारागिरों की उस खास तकनीक पर हमने दो वीडियोस पहले ही बनाए हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यहाँ के होसलेश्वर मंदिर को बनाने बनाया तो कितना खूबसूरत तरीके से है और इतनी बारीकी से है। मंदिर का काम इतने सालों पहले लेकर 1207 तक चला था सैकड़ों कारागिरों की मेहनत के बाद यह एक ऐसा मंदिर खड़ा हुआ जो आज हजारों सालों बाद भी उसी खूबसूरती से खड़ा है इस मंदिर की दीवार पर असंख्य मूर्तियां उकेरी गई है जिसमें भगवान विष्णु के सारे अवतार नृत्य करती लक्ष्मी माता हिरण्य कशिपो की कहानी इसी के साथ ही हिंदू धर्म की कई सैकड़ों कहानियां यहाँ दर्शाई गई है यह बनी मूर्तियों की बारीकियों का मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई मंदिर कर सकता है यहाँ की मूर्तियों में कई ऐसे राज भी दफ्न है जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया अब आप ही बताइए कि आज की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसी मूर्ति इतनी बारीकी से बनाना कैसे मुमकिन है और वो भी पत्थर में जहाँ छोटी सी भूल का मतलब होता है पूरी मूर्ति का बेकार हो जाना और हम जिस मूर्ति को देख रहे हैं, वो आज से हजार साल पहले बनी है यहाँ मौजूद पिल्लर और नंदी के मूर्ति की पॉलिश भी ऐसे की गई है कि मानो इसे करने के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया हो इन पिल्लर और मूर्तियों की पॉलिश आज तक जरा भी कम नहीं हुई है मशहूर स्कॉटिश आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन भी इस मंदिर को देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा था कि इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा अद्भुत शिल्प कला का नमूना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था वैसे तो हलेबिडू शहर पर काफी हमले हुए लेकिन एक हमला ऐसा हुआ जिसने इस शहर का नाम ही बदल दिया और वो हमला किया था अल्लाउद्दीन खिलजी की अगुवाई में उसके सेनापति मलिक कफूर ने 26 फरवरी 1311 को मलिक कफूर अपनी सेना के साथ हलेबिडू पहुंचा। उस वक्त होयसला राजवंश के राजा थे राजा भल्लाल तृतीय उन्हें पता था कि खिलजियों की हजारों की सेना उनके सैनिकों से तो लड़ेगी ही साथ में उनकी प्रजा पर भी जुल्म करेगी लूटपाट करेगी और औरतों पर अत्याचार करेगी इसीलिए उन्होंने मलिक कफूर के साथ सुलह करने का निर्णय लिया मलिक कफूर ने राजा भल्लाल देव के सामने शर्त रखी कि वो इस्लाम धर्म कबूल करे और अगर नहीं तो हर साल एक तय राशि साथ में सोना और चांदी खिलजियों को देता रहे अर्थात राजा भल्लाल ने उसकी दूसरी शर्त मंजूर की और सैकड़ों हाथी घोड़ों के साथ हजारों किलो सोना चांदी उसे दे दी और इस तरह मलिक कफूर ने हलेबिडू को बर्बाद और कंगाल कर दिया और इसी घटना के बाद इस शहर को इसका नाम मिला हलेबिडू यानी बर्बाद शहर इस शहर का नाम पहले द्वारा समुद्र हुआ करता था लेकिन इस घटना के बाद इसे हलेबिडू कहा जाने लगा इसके बाद भी दिल्ली पर शासन करने वाले मुस्लिम राजा यहाँ हमले करते रहे और हर हमले के बाद हलेबिडू अपने आप को संभालता रहा लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे को शरण देना राजा भल्लाल को काफी महंगा पड़ा किसी कारणवश मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे ने उससे बगावत की और अपने आप को बचाने के लिए वो राजा भल्लाल की शरण में आया और राजा ने उसे शरण में लिया भी बस इसी बात से भड़के मोहम्मद बिन तुगलक ने होयसला पर 1326 में आक्रमण कर दिया तुगलकों ने राजा भल्लाल को बेहद भयानक मौत दी ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उन्हें जान से मारने के बाद उनके शरीर की चमड़ी को निकाला गया और उनके शरीर में भूसा भरकर शहर की एक दीवार पर लटकाया गया और इस तरह तुगलकों ने होसला राजवंश के आखिरी राजा के साथ उनका राजवंश भी खत्म कर दिया होयसाला साम्राज्य के दौरान बने मंदिर और अन्य संरचनाएं आज भी वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं लेकिन दुख की बात है कि आज उनके द्वारा बनाए 1500 मंदिरों में से सिर्फ 40 या 50 मंदिर ही बच पाए हैं आधे से ज्यादा मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए और बाकी के समय गुजरते खंडहर में तब्दील हो गए तो ये था आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें So guys, ये वीडियो थी जिसमें बता रहे थे सरदार हो जो हैं उनके बारे में कि उनकी जो थी वो किस तरह से अपने आप को जो है वो एक सरदार बने मुझे जो इसमें समझ आया वो बेसिकली यही था कि इसमें जिस तरह से वो एक शिकार पर जाते हैं मतलब जंगल में जाते हैं अपने गुरु के साथ वहाँ पर उनको जो है वो शेर एक आ जाता है शेर को बचाते हैं मतलब शेर से लड़ने के लिए उनका गुरु आदेश देते हैं तो उसके बाद जो है वो जाके वो शेर से लड़ते हैं और वो शेर को मार देते हैं तो उसके बाद से जो है वो उनकी उनको जो है वो सरदार बना दिया जाता है उससे इम्प्रेस होकर और आ, और ये वहाँ से उनकी बहादुरी का पता चलता है कि देखो शेर के आगे वो डटे रहे वो लड़, लड़े उससे उसको ख़त्म किया बजाय इसके कि वो डर जाएं और अपने गुरु के पीछे छुप जाएं तो ये उनकी बहादुरी थी और यही उनको आगे कामयाबी तक लेकर गए अच्छा इससे हमें एक लेसन भी मिलता है अगर हम इसको एज अ लेसन समझें Uh, क्योंकि देखो हिस्ट्री हमें कुछ, कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है अच्छी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं इसलिए कहते हैं अच्छी चीज़ों को हमेशा अपने अंदर लेकर आओ और अच्छी चीज़ों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश करो और इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो अच्छे लोगों की जो चीज़ें हैं वो पिक करो बुरे लोगों के साथ रहोगे वो आप पर बुरा असर डालेंगे खैर पॉइंट यह है कि शेर को उन्होंने शेर से लड़े और फिर उसके बाद उनकी बहादुरी को सराहा गया और उनको एक राजा बनाया गया ठीक है महाराजा बनाया गया उसके बाद उनकी जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई मूर्तियां मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर उनकी मूर्तियां बनाई गई जहां पर शेर के साथ मतलब वही सीन जो है उसको कैप्चर किया गया है मतलब कि ए, साल जो राजा हैं उनको और साथ में शेर की जो है वो एक मूर्तियाँ बनाकर और इतनी कोई इंतहा किस्म की खूबसूरत तरीन मूर्ति है जो कि बनाई गई है और इतनी बारीकी से बनाई गई है आज के दौर में लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं नो no डाउट बहुत कुछ कर सकते हैं आज के दौर में भी लेकिन ये जो चीज़ें आज के दौर में हैं ये आज के दौर में नहीं हैं बल्कि ये आज से पहले बहुत सालों पहले ये सब कुछ हो चुका है सेम वैसे ही जैसे कि ट्रेंड आता है जाता है आता है जाता है वैसे ही ये भी आया था फिर उसके बीच में गायब हो गया उसके बाद दोबारा से लोग जो है अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से ही इन लोगों ने सब कुछ लिया है लेकिन बेसिकली ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो कि उस सालों की थी जब हम लोगों का नामो निशान तक नहीं था तो खैर उसके बाद जो है वो उनकी जो उनके साथ जो आ, मतलब मंदिर बनाए गए हैं वो बहुत खूबसूरत तरीन बनाए गए हैं और नंदी का कलर आप देख लो इतना कोई अट्रैक्टिव है ना वो ब्लैक लगता है ना वो ग्रे लगता है मतलब कि वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन और सबसे बेहतर मेन चीज़ यह है कि अस्टिल वो वही मतलब जगमगाता हुआ कलर है और हम हम अगर इस चीज़ को देखें कि इतनी बारीकी से नंदी बनाई गई है और इतनी खूबसूरत तरीन तरीके से बनाई गई है सो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त बहुत हसीन और इतना कारीगर थे उस टाइम पर कि हम लोग आज के दौर में अगर सोचते हैं ना तो फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि ये वाकई में ही उस टाइम पर बनाया गया लेकिन रियलिटी यही है कि उस टाइम पर बनाया गया और जबकि मैं हमेशा यही सोच रही थी कि शायद Uh, कि हमारी जो uh, मतलब कि अब जाके आगे आगे जाके एडवांस होता जा रहा है सब कुछ पहले तो कुछ होता ही नहीं था पहले लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते थे बहुत सिंपल गुजारते थे उनके पास तो कुछ होता ही नहीं था लेकिन मज़े की बात यह है कि सब हमसे तो ज़्यादा उनके पास हुआ करता था अगर आप टेक्नोलॉजी देखते हो अगर उनके पास आर्ट देखते हो हर चीज़ तो उनके पास थी और आज भी अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम हिस्ट्री की बनी हुई चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो टू बी ऑनेस्टली हमें अट्रैक्टिव क्या लगती हैं हमें हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें अच्छी लगती हैं जैसे वो मंदिर में आर्ट था वो छोटी छोटी मूर्ति बनाई गई हैं उसके अंदर दीवारों में तो आप वो देखो कितना ख़ूबसूरत और फिर दीवार पे मूर्तियाँ बनाई हैं वो कितनी बारीकी से बनाई गई हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो मोस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू आज की टेक्नोलॉजी और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये टेक्नोलॉजीज़ अगर हम बात करते हैं कि उनकी जो उनके साथ जो हुआ कि जो महाराजा हैं उन्होंने तो कहा था कि चलो ठीक है अपने लोगों को बचाने के लिए उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आ, उस महाराजा मा, के साथ आ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मतलब कि जाके उसके साथ कर लिया लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन लोगों ने जो है वो ये एक एग्जांपल ऐसी रख दी कि उनको बोल रहे हैं कि या तो आप हिंदू हो जाओ आ, मुस्लिम हो जाओ या तो फिर आप ये सारी चीज़ें कर दो अब जाहिर सी बात है वो मुस्लिम तो हो नहीं सकते थे तो उन्होंने क्या किया वो तो मतलब जो अपने धर्म पर मतलब कि दिल से एक्सेप्ट करता है दिल से वो मानता है उसका दिल मुतमिन है तो वो कैसे अपने धर्म को चेंज कर सकता है कॉमन सेंस की बात है और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी किसी को ज़बरदस्ती किसी का धर्म चेंज नहीं करवा सकता जब तक कि आपकी खुद की चॉइस ना हो और अगर कोई करवाता भी है ज़बरदस्ती तो ये उसकी वो दिल से तो नहीं ना हुआ जब उसने दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया तो इसलिए ज़बरदस्ती कुछ भी करवाना फजूल है खैर आ, इनको जो है वो ज़बरदस्ती तो करवा मतलब वो उनका जब दिल मुतमिन था तो वो कुछ भी हो जाता उन्होंने नहीं था करना तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है वो जेवरात वाला जो है वो एक्सेप्ट किया और उनको देकर रवाना किया लेकिन मज़े की बात तो ये है कि और फिर मतलब कि एक तो उन्होंने ये सब कुछ दे दिया उसके बाद फिर उनके साथ जो लास्ट उनका एंड हुआ ना वो मेरे लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुखी था वो ये था कि उनके साथ इतना बुरा हुआ कि उन्होंने जिसको पना दी पना भी दी उसको हर चीज़ किया लेकिन उनके साथ एट द एंड क्या हुआ कि उनकी जो मतलब खाल तक को उधेड़ कर उसके अंदर भर के रुई छुई और फिर उसको उनको जो है एक दीवार के साथ बाहर लटका दिया गया अब ताहयात हयात के लिए अब पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा आ, इस दौर में लेकिन आ, अफसोस की बात यह है कि आ, उस टाइम पर लोग इतने जालिम हुआ करते थे सल्तनत की वजह से कि वो मतलब तो कि इतने फ़ायदे उठाया करते थे और मंदिर तक तोड़ दिए गए ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस की लगी कि देखो हर चीज़ तो, मतलब कि मंदिर तक तोड़ दिए गए इतने सारे पंद्रह कह रहे हैं कि मंदिर बाकी बचे हुए हैं जबकि इतने सारे मंदिर जो हैं वो इन लोगों ने तोड़ दिए हैं सो ये दुख की बात है और अफसोस होता है कि यार कैसे कर लेते हैं ये लोग हर हाँ, दिल दुखता है एनी वेज गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही।, रही राजा हुसैला के बारे में जानकर एंड uh, उनका जो वो मतलब जहाँ पर उनका उनकी हुक्मरानी थी अब वो बर्बाद हो चुका लेकिन उसका नाम भी इन्होंने चेंज कर दिया लेकिन ख़ैर जो आ, जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं और हमेशा यादों में याद रहते हैं हिस्ट्री में याद रहते हैं जैसे कि ये याद रहेंगे और अभी भी हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एनी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर बप बाय